हेलो गाइस, तो आज हम लोग पहुंच चुके हैं वृंदावन और आज हम लोग घूमने वाले हैं यहाँ का प्रेम मंदिर, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। आप एक बार देखेंगे तो इसको अपने माइंड में हमेशा के लिए सेट कर लेंगे। इसकी पिक्चर इतनी ज़्यादा सुंदर है और इस मंदिर को जगत गुरु कृपालु महाराज जी ने इसको बनवाया था, जो कि वृंदावन के मेन रोड पर ही बना हुआ है। NH2 हाईवे की तरफ आप यहाँ से निकल सकते हैं, जो कि डायरेक्टली आपका दिल्ली की तरफ जाता है। और यहाँ पे इस मंदिर में आप देख रहे हैं, ये इसके बाहर का नज़ारा है और हम मंदिर में एंटर बस करने ही वाले हैं। और ये बाहर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको चाट चौपाटी वगैरह के स्टॉल्स वगैरह मिल जाएंगे। आप लंच ब्रेकफास्ट वगैरह का चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं। कोशिश करें आप इवनिंग में ही वृंदावन में प्रेम मंदिर को देखें, क्योंकि यहाँ पे जो लाइटिंग होती है वही आपको सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल लगने वाली है। और देखिए ये पूरा मंदिर कितना ज़्यादा शाइन कर रहा है। इसको इटालियन मार्बल से पूरा बनाया गया है, जिसको 14 जनवरी 2001 में कृपालु महाराज जी के थ्रू बनवाया गया था। और 11 साल बाद ये मंदिर बनके कंप्लीट हुआ है पूरा, और 17 फरवरी को फिर उसके बाद ये ओपन किया गया था 11 साल बाद। और इसको बनाने में काफ़ी ज़्यादा खर्चा आया था, लगभग 150 करोड़ से ज़्यादा पैसा इसके अंदर लगा हुआ है। और बहुत ही ज़्यादा सुंदर ये मंदिर है। और इस मंदिर की टाइमिंग जो है वो दिन में ये 3 बार खुलता है। आप सुबह 12 बजे तक आ सकते हैं और शाम को ये 5:30 बजे से खुल जाता है और रात को 8:30 बजे तक ये खुला रहता है, तो आप आ सकते हैं इवनिंग टाइम में। इसके अलावा यहाँ पे लेज़र लाइट लगी हुई है, जो बार बार अपना कलर चेंज करती है 30 सेकेंड्स के अंदर। और इसमें ब्लू, ग्रीन, येल्लो, अलग अलग कलरफुल लाइट्स आपको देखने मिलती हैं। बहुत सारी झांकियाँ हैं इसके अंदर जो चलती हैं और वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है। अगर आप वहाँ पिक्चर्स वगैरह क्लिक करेंगे इसके गार्डन्स वगैरह के पास में, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी पिक्चर्स आपको मिलेगी। फाउंटेन भी आपको यहाँ पे दिख रहा है और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लाइट जब जल जाती है तो ये गार्डन बहुत ही ज़्यादा शाइन करता है। और इसके अलावा यहाँ पे कैंटीन भी मिलेगी आपको मंदिर के अंदर ही, और साथ में कृपालु महाराज का यहाँ पे हॉस्पिटल जो है ट्रस्ट वाला, वो भी यहीं पे बना हुआ है। इसके अलावा मंदिर में आपको अंदर शो का स्टैंड वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। आप बैग वगैरह अगर लेकर के आए तो वहाँ पे आप रखवा सकते हैं, और शॉप्स वगैरह भी आपको इसके अंदर ही मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं हम इसके अंदर और क्या क्या है। और अब हम आ गए हैं मेन मंदिर के अंदर, तो यहाँ पे फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। और ये मंदिर जो है वो 2 मंजिल का अंदर बना हुआ है, जिसमें नीचे भगवान की स्टैचू है और ऊपर आप जाएंगे तो वहाँ पे जगत गुरु कृपालु महाराज जी का स्टैचू बना हुआ है। और उसको देखकर आपको ऐसा लगेगा जैसे कि वो खुद वहाँ पे साक्षात बैठे हुए हों और भजन कर रहे हों, तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। आप ज़रूर उसको एक बार देखें। और देखिए कितना ही प्यारा, ये इतना सुंदर ये झूमर लगा हुआ है, लाइट जल रही है तो कितना ज़्यादा शाइन कर रहा है ये झूमर। और ये इसकी कुछ प्यारी प्यारी झांकियां हैं जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रही हैं रात के टाइम पे। यहाँ पर आप बहुत सारी अच्छे अच्छे पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो डिज़ाइन है इसका पूरा, वो जो है राजस्थान के और उत्तर प्रदेश के बहुत सारे जो सबसे अच्छे जो कारीगर थे उन लोगों ने ये बनाया हुआ है काफ़ी ज़्यादा टाइम दे करके। और 54 एकड़ एरिया के अंदर ये पूरा बना हुआ है मंदिर, जो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। गार्डन के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कटिंग्स जो है वो प्लांट्स की काफ़ी अच्छे से इन्होंने फिनिशिंग की हुई है। साइड में आपको इसके चारों तरफ झांकियां मिलेंगी, जो बहुत सारी झांकियां हैं। आप लगभग 1 से 1.5 घंटा जो है वो प्रेम मंदिर में बिता सकते हैं। ये गेट पर ही आपको प्रसाद, ऑडियो, वीडियो, बुक्स वगैरह सब चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी, तो अगर कुछ आप शॉपिंग करना चाहते हैं तो यहाँ से आप ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।